हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ पाकिस्तान, अहमद नदीम कासमी। लेट्स स्टार्ट। अहमद नदीम कासमी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन उर्दू लिटरेचर इन पाकिस्तान। अहमद नदीम कासमी का उर्दू लिटरेचर में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है। ही वॉज बोर्न ऑन 20 नवंबर 1916। वो 20 नवंबर 1916 में पैदा हुए। ही इज़ नॉट ओनली एन उर्दू पोइट, वो सिर्फ एक उर्दू शायर नहीं थे, इंस्टेड ही इज़ आल्सो अ जर्नलिस्ट। वो एक जर्नलिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे एंड ड्रामाटिस्ट एज वेल, और एक ड्रामाटिस्ट थे। अहमद नदीम इज़ आल्सो द ऑथर ऑफ मेनी शॉर्ट स्टोरीज़। अहमद नदीम कासमी जो है वो बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ के ऑथर भी हैं। इट गेंड इमेंस फेम इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़, जिसकी वजह से उनको सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में उनको इनकी वजह से फेम मिला। ही रोट अबाउट 50 बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। उन्होंने ऑलमोस्ट 50 बुक्स लिखी हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। वो टॉपिक्स कौन से थे? सर एज पोइट्री, फिक्शन, क्रिटिसिज्म एंड जर्नलिज्म। ही हैज़ वन ब्रदर नेम्ड पीरजादा मोहम्मद बख्श। उनका एक ही भाई था पीरजादा मोहम्मद बख्श एंड वन सिस्टर और एक बहन थी। देन हीज़ एजुकेशन। कासमी गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज नेटिव विलेज एंड हाई स्कूल इन कैम्प बेलपुर इन 1931। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन अपने नेटिव विलेज और हाई स्कूल कैंप बेलपुर में पुर से 1931 में हासिल की। लेटर उसके बाद फॉर हायर स्टडीज़ के लिए अहमद नदीम कासमी जो हैं वेंट टू बहावलपुर चले गए एंड गोट एडमिशन टू सादिक इगर्टन कॉलेज। और उन्होंने सादिक इगर्टन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फर्दर ही सेंट ऑन टू गो टू लाहौर एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। और फिर वो लाहौर चले गए और वहाँ से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से ग्रेजुएट किया 1935 में। देन हिज़ लिटरेरी करियर। अहमद नदीम कासमी हैज़ अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस इन हिज़ करियर इन लिटरेचर। अहमद नदीम कासमी का बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस रहा है उनके लिटरेचर के करियर में। ही हैज़ वर्क फॉर जर्नल्स लाइक फूल। उन्होंने जर्नल्स में काम किया। वो जर्नल्स कौन से थे? लाइक फूल, तहजीब इंसान, अदब लतीफ़, सवेरा एंड नकोश। ही आल्सो वर्क एज एन एडिटर फॉर डेली अमरोज। उन्होंने डेली इम्रोज कराची की एक न्यूज़पेपर थी, उसके अंदर उन्होंने एज एन एडिटर वर्क किया। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू नेशनल न्यूज़पेपर्स सर एज रॉन डॉन एंड डेली जंग वीकली। और उन्होंने नेशनल न्यूज़पेपर में भी वर्क किया सर एज रॉन डॉन में और डेली जंग वीकली में। हिज पोइट्री अट्रैक्ट्स रीडर्स थ्रू इट्स इंस्पायरिंग नेचर। उनकी जो पोइट्री है वो रीडर्स को अट्रैक्ट करती थी इंस्पायरिंग नेचर की वजह से, क्योंकि उनकी पोइट्री जो थी वो इंस्पायरेशनल होती थी, मोटिवेशनल होती थी। इट इंक्लूड्स ट्रेडिशनल गज़ल्स एंड मॉडर्न नज़म्स। उनकी पोइट्री जो थी उनमें ट्रेडिशनल गज़ल्स होती थी, रवायती गज़लें एंड मॉडर्न नज़म्स और जदीद नज़में होती थी। अहमद नदीम कासमी रिमेंड अ वेरी एक्टिव फिगर फॉर द राइट्स ऑफ द राइटर्स। अहमद नदीम कासमी जो है वो एक एक्टिव फिगर रहे थे राइटर्स के राइट के लिए, उनके हकूक के लिए। ड्यू टू हिज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लिटरल मैटर्स, उनकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन थी इन लिटरल मैटर्स में। He was appointed General Secretary of Anjumane Taraqi Pasand Musannifain, a progressive writers movement. ये progressive writer movement चली थी Anjumane Taraqi Pasand Musannifain, जिसके अंदर उन्होंने participate किया था। Appoint हुए थे वो General Secretary, appoint हुए थे क्योंकि उन्होंने participate किया था literal matters में, क्योंकि उनका literal matter में वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बहुत पार्टिसिपेट करते थे, इस वजह से उनको जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का 1948 में। लेटर इन 1949, उसके बाद 1949 में ही वॉज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान। 1949 में उनको सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का। फर्दर मोर इसके अलावा इन 1962 में कासमी पब्लिश टू हिज लिटरल मैगजीन फनून विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ, उन्होंने अपना एक लिटरल मैगजीन फनून जो है वो पब्लिश करवाया एक्टिव सपोर्ट से, मतलब लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ थी लाइक खदीजा मस्तूर, हाजरा मसरूर, अमजद इस्लाम अमजद, अताउल्ला हक कासमी, इनकी मदद से इन्होंने अपना ये मैगज़ीन जो है लिटिल मैगज़ीन जो है ये फ़नून पब्लिश करवाया था। ही कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस एंड क्वालिफाइड फॉर डिफरेंट स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड। और वो डे बाई डे जो है वो प्रोग्रेस करते जा रहे थे और डिफरेंट स्टेप्स के लिए क्वालिफाइड करते जा रहे थे। देन हिज नोटेबल वर्क्स। अहमद नदीम कासमी प्रोड्यूस सम लिटरेरी वर्क्स, उन्होंने बहुत सम लिटरेरी वर्क्स लिखे। हिज वर्क कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज। और उनके जो वर्क्स थे उनमें वो
उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज में, मतलब उन्होंने पोइट्री लिखी थी और शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। इज़ अ लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट वर्क्स ऑफ कासमी। पोइट्री जो है उनकी जो फेमस पोइट्री है वो है जलालो जमाल, शोला गुल, रिमझिम और खिश्ते वफा, और शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं वो है चौपाल, आबले मुहित और घर से घर तक, उनकी फेमस जो वर्क है। देन हीज़ अवार्ड्स एंड प्राइजेज। अहमद अदीम कासमी रिसीव्ड मेनी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड प्राइजेज। उन्होंने बहुत सारे अहम अवार्ड्स और प्राइजेज जीते थे। सम ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स रिसीव्ड बाय कासमी आर द फॉलोइंग्स। जो सबसे अहम अवार्ड्स थे जो उन्होंने रिसीव किए थे वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड उनको दिया गया था, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने उनको दिया था 1968 में, और सितारा इम्तियाज़ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1980। उस सितारा इम्तियाज़ भी उनको पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने दिया था 1980 में। एंड लेजिटिमेट अचीवमेंट अवार्ड बाय पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स ने उनको लेजिटिमेट अचीवमेंट अवार्ड दिया था। देन हिज डेथ। अहमद अदीम कासमी पास्ड अवे ऑन 10 जुलाई 2006 इन लाहौर। अहमद अदीम कासमी की 10 जुलाई 2006 में उनकी लाहौर में डेथ हो गई। एंड शी लेफ्ट डॉटर नहीद कासमी, और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी उन्होंने अपनी एक बेटी तो नहीद कासमी को छोड़ दिया। दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।